रविवार को उपराजधानी दुमका में बांधपाड़ा पोखर चौक में स्थापित संताल हुल के महानायक सिद्धू कानू मुर्मू के प्रतिमा के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया और सिद्धू कानू की प्रतिमा को अपमानित किया गया, तो इसके विरोध में पथ को जाम किया गया। तो जाम को समाप्त कराने को लेकर के नगर पार्षद अमिता रक्षित, दुमका अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर देवव्रत पोददार, डीएसपी रोशन गुड़िया, एसआई उपेंद्र चौधरी एवं महिला एसआई केरकेट्टा सभी मौके पर पहुंचकर वार्तालाप करते हुए सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू की प्रतिमा को साफ सफाई कराकर पूजा अर्चना कर शुद्धिकरण किया गया और प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि 48 घंटों के अंदर प्रतिमा को अपमानित करने वालों को पकड़ा जाएगा, तब जाकर मामला समाप्त हुआ। आज दिनांक 11/3/2018 रविवार को स्थानीय जन पुस्तकालय में झामुमो नगर समिति की बैठक नगर अध्यक्ष रवि यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय महासचिव श्री विजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार सिंह, केंद्रीय समिति सदस्य श्री सुनील कुमार दुबे उपस्थित हुए। आज के बैठक में आगामी नगर परिषद चुनाव की तैयारी को लेकर 39 बूथों के बूथ समिति पर चर्चा किया गया। सभी बूथों के बूथ अध्यक्ष सचिव की नव निर्मित बूथ समिति की जानकारी लेते हुए सभी वार्डों के बूथ समिति के सेमिनार का तिथि निर्धारित किया गया। 13/3/2018 से शुरू किया जाएगा, जिसमें बूथ समिति ज्यादा से ज्यादा सशक्त हो सके ताकि नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों पर पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो सके। आज की बैठक में दुमका में स्थापित अमर शहीद सिद्धू कानू के आदम कद प्रतिमा पर किसी शरारती तत्व के द्वारा आपत्तिजनक सामग्री रखे जाने पर इसकी घोर निंदा की गई और प्रशासन से मांग किया गया कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगर नगर परिषद चुनाव के दौरान पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता पार्टी विरोधी कार्य करेंगे तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। आज ही बैठक में नगर सचिव नीपू सिंह, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष इंदु चौबे, शुभेंद्र चक्रवर्ती, वार्ड पार्षद कृष्णा देवी, सुप्रियो दास गुप्ता, मोहम्मद फारूक अंसारी, राजकुमार मंडल, चंदन भुआवनी, संदीप दास, साकेत कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।